Hello everyone, welcome to the weekly current affairs. The first question that we have is which two countries were involved in the first opium war. अब आप बोलेंगे कि ये तो स्टैटिक का सवाल हो गया, लेकिन ये न्यूज़ थी और मैंने कवर भी करी थी चाइना और ब्रिटेन के बीच में. मैंने आंसर ही दे दिया बेसिकली, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है कि आपको पता होना चाहिए. इसका आंसर है चाइना एंड ब्रिटेन. Second question is which two countries are planning on conducting joint military exercise in space. ये न्यूज़ भी मैंने कवर करी हुई है. ऑप्शंस आर इंडिया एंड रशिया, चाइना एंड रशिया, इंडिया एंड यूएसए, यूएसए एंड चाइना. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, इंडिया एंड यूएसए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज़ द फर्स्ट ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. इंडिया और वर्ल्ड का दोनों का ही फर्स्ट ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज कौन सा है. चेनाब आर्च ब्रिज, पंबन ब्रिज, बोगीभील ब्रिज और राम सेतु ब्रिज. ये भी मैंने कवर करा है. एंड द करेक्ट आंसर इज चेनाब आर्च ब्रिज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइप्रस इशू इज बिटवीन टर्की एंड विच कंट्री. किन दो कंट्रीज़ के बीच बेसिकली साइप्रस इशू है, टर्की और किस कंट्री के बीच. ऑप्शंस आर रशिया, ग्रीस, जर्मनी एंड चाइना. एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रीस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिनरल फाउंड ऑन मून बाय चाइना. बेसिकली चाइना को जो ये मिनरल मिला है इसका चाइना ने क्या नाम रखा है, ये क्वेश्चन है. ऑप्शंस आर चेंगसाइट, मूनसाइट, चेंग ल्यूनर, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज चेंगसाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड. वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है. सितंबर 24, 27, 22, 28. एंड द करेक्ट आंसर इज सितंबर 27. इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज़्म डे इन 2022. थीम क्या है 2022 में वर्ल्ड टूरिज़्म डे की. ऑप्शंस आर टूरिज़्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, रीथिंकिंग टूरिज़्म, टूरिज़्म एंड रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज़्म. एंड द करेक्ट आंसर इज रीथिंकिंग टूरिज़्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव वी केयर. ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड गोवा. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज़ न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द थर्ड कंट्री विच वॉज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्राइलेटरल मिनिस्टेरियल मीटिंग विद इंडिया एंड फ्रांस. बेसिकली इंडिया, फ्रांस और एक और कंट्री ने मिलकर उनकी पहली ट्राइलेटरल मिनिस्टेरियल मीटिंग रखी है. तो तीसरी कंट्री इनमें कौन सी है इंडिया और फ्रांस के अलावा. ऑप्शंस आर यूएसए, जर्मनी, जापान और यूएई. And the correct answer is UAE. Next question is which country will host SCO summit in 2023. 2023 में SCO summit को कौन host करेगा. And the options are India, Russia, China, Pakistan. Of course the correct answer is India. मैंने इसका आंसर में लिखना भूल गई, आप इसका इंडिया कर लेना. इसका आंसर है इंडिया. इंडिया SCO summit को 2023 में host करेगा. Next question is which state has announced नंजरायन टैंक as a bird sanctuary. मतलब किस स्टेट ने नंजरायन टैंक को एक बर्ड सेंचुरी अनाउंस कर दिया है. ऑप्शंस आर उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र. एंड द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु. और इसी के साथ ये 17th बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु की. ओके, इसको भी ध्यान में रख लेना. Which state government has launched मुख्यमंत्री सारथी योजना. मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है. ऑप्शंस आर उड़ीसा, बिहार, झारखंड और केरला. एंड द करेक्ट आंसर इज झारखंड. ओके, नाउ दीज वर द क्वेश्चंस फॉर यू गाइज. आई नो मैंने आज जो स्टैटिक जीके थी वो डिस्कस नहीं करी है, ना ही कंट्रीज़ की ना ही स्टेट्स की, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है बहुत जल्दी. एंड आप अभी इसी से ही काम चलाओ. नेक्स्ट टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू यू गाइज एंड सो सॉरी फॉर दैट. सो दिस वॉज द वीडियो फॉर यू गाइज. आई होप यू लव्ड इट. इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय.